कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच के पदाधिकारियों ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में संगठन के जिलाध्यक्ष राजेश धर दुबे ने बताया कि सरकार ने विगत 4 वर्षों से हमारी कोई मांग नहीं मानी है। अब सरकार को पुरानी पेंशन सहित सभी मांगों को पूरा करना होगा तथा यदि सरकार ने संगठन के नेतृत्व से वार्ता कर हमारी मांग को नहीं माना तो 30 नवंबर को लखनऊ में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जब सरकार को आवश्यकता पड़ी है तब शिक्षक कर्मचारी ने आगे बढ़कर सरकार का भरपूर सहयोग किया है, लेकिन तब भी सरकार सदैव शिक्षक कर्मचारियों की मांगों के प्रति उदासीन बनी हुई है। उन्होंने बताया कि हमारी पदोन्नति बाधित है और मनमाने ढंग से विद्यालयों का सम्मेलन किया गया है। हमारे विद्यालयों में शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइयों आदि मानदेय वाले कर्मचारियों को स्थायी कर इनको वेतनमान की परिधि में लाया जाए। इस अवसर पर संगठन के संरक्षक रूपेश कुमार श्रीवास्तव, अमरनाथ यादव, तारकेश्वर शाही, ज्ञानेश राय, हरेंद्र राय, ब्रजेश श्रीवास्तव, वीरेंद्र दुबे, शमीर पांडे, हरिहर पांडे, अनिल चंद, योगेश शुक्ला, जन्मजय पांडे, राकेश दुबे, राकेश राय, डॉक्टर सी वी तिवारी, डॉक्टर अरविंद चौरसिया, विपिन बिहारी दुबे, PWD, लोक निर्माण, माध्यमिक शिक्षा, पंचायत सफाई कर्मचारी, जिला पंचायत सहित लगभग 32 विभागों के कर्मचारी शिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच के जिला अध्यक्ष राजेश धर दुबे ने कहा, भाई जगदीश यादव जी संगठन के अधिकार मंच के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हम लोगों के साथी तथा में भी एक नौजवान की तरह आज की कमान संभालने वाले हम लोगों के भाई अश्विनी कुमार श्रीवास्तव जी, अभी अगर एक तरफ से लेना शुरू करूंगा तो 3 बजे ज्ञापन देना है, नाम लेते लेते थक जाऊंगा। इतने लोगों का नाम लूंगा वो खुश होंगे कि नहीं, जिनका छोड़ दूंगा वे मुझसे कहां कहां कसर निकालेंगे। इसलिए है साथी कम रहे, बैठ कर अपने इन साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। लोग अपने इस अधिकार मंच के अनुशासन के साथ नहीं है, आप खड़े क्यों कुर्सियों पर? मैं राजेश धर दुबे, अध्यक्ष कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पेंशनर्स मंच गोरखपुर। देखिए, जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है ये पुरानी पेंशन की है। 1 अप्रैल 2005 से उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों, शिक्षकों के लिए, जो भी सरकारी सेवा में लोग हैं उनके लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था समाप्त कर दी है। नई पेंशन स्कीम लागू की है जिसका कोई अता पता नहीं है। ये मार्केट के शेयर पर आधारित पेंशन है। हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं 70,000-60,000 के वेतन के बाद रिटायर हो रहे हैं, लेकिन जब पेंशन की बात आ रही है तो 1,000-1,500-2,000 इसी में इनका पेंशन सिमट के रह जा रहा है। अपने लिए सरकार में बैठे लोग पुरानी पेंशन स्कीम ले रहे हैं और हमारे कर्मचारी जो 40 साल 50 साल 30 साल नौकरी करके अपना पूरी जवानी सरकार के लिए देते हैं उनको नई पेंशन स्कीम दी जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण मांग हमारी यही है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इसके अलावा जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, संविदा के लोग हैं, हमारी मांग है उनको भी पूरे वेतन पर नियमित किया जाए। और भी हमारी छोटी मोटी बहुत सारी मांगें हैं जिनको लेके हमारे कर्मचारी और शिक्षक आज आंदोलन के रास्ते पर हैं।